सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 54 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आगम वाणी राग धवल। आए आगम वाणी इत मिली विश्वमुख करत बखान, कौल सबन के पूरन भये आए सो पहुँचे निशान। महामती कहते हैं, निष्कलंक बुद्धावतार होने पर विश्व के सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी साकार हुई। विश्व के महान पुरुषों ने भी अपनी अपनी वाणी में बुद्धावतार की प्रशंसा की है। सभी के कथन सत्य सिद्ध हुए एवं बुद्ध जी के प्रागट्य के सभी चिन्ह स्पष्ट हो गए। चेतो सबे सतबादियो सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विष्णु का प्रगटिया परवान। हे सत्यवादियों, सतगुरु के इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व के समर्थ स्वामी हैं। वे निर्धारित समय पर प्रकट हो गए हैं। आगमी सब खड़े हुए दिन बहुत रहे थे गोप, आए धनी मेले मिने प्रगटी है सत्य ज्योत। बुद्ध जी के प्रकट होने पर सभी भविष्यवेता भी अपनी वाणी को सिद्ध होती हुई देखने के लिए सामने आ गए, क्योंकि वे इतने दिनों तक छिपे हुए थे। धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हरिद्वार के कुंभ मेले के समय जागृत ज्ञान लेकर पधारे हैं, और उनके अखंड ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल गया है। पहले मंडल में मांगी मुझे सो आए व्याही इत, कौल किया लिखिया शास्त्रों में सो आए पहुंची सरत। प्रथम अवतरण के समय व्रज में धामधनी श्री कृष्ण जी के साथ मेरी सगाई हुई थी, अर्थात मात्र संबंध ही स्थापित हुआ था। इस जागनी लीला में सतगुरु के रूप में पधारकर धामधनी ने पूर्ण पहचान करवाई और मुझे अंगना के रूप में स्वीकार किया। धामधनी के प्रकट होने के यह समय शास्त्रों में लिखा गया था। तदनुसार प्रकट होकर उन्होंने अपने वचन पूर्ण किए। मैं जो आई व्याहन दुल्हे को दुल्हा आए मुझ कारण, बांधे पालव सो पालव पाट बैठे दुल्हा दुल्हिन। धामधनी की पहचान के लिए मेरा इस संसार में आना हुआ, और धामधनी भी हमारे लिए ही सतगुरु के रूप में पधारे हैं। जैसे विवाह में वर और वधु का पालव बांधा जाता है, उसी प्रकार धामधनी के साथ हमारा आत्मिक संबंध बंध गया और वे स्वयं मेरे हृदय रूपी आसन पर बैठ गए। सत पर सत दो पर्वत तोरन बांधे है बंध, बीन थलिए विवाह हुआ हाथों हाथ जोड़े मूल संबंध सन्बंध। इस प्रकार सतगुरु ने प्रकट होकर सत्य अक्षरधाम तथा उससे भी परे अक्षरातीत परम धाम के साथ संबंध कर दिया। सतगुरु ने मेरे हृदय पटल पर विराजमान होकर परम धाम के मूल संबंध को जोड़ दिया, अर्थात पहचान करवाई। मंडल अखंड में मांडवा चोरी थंब रोपे है चार, सो थंभ थापे थीर कर कहूं सो तीन को प्रकार।
एक व्रज दूजो रास को, दूजे दो इन वैराट, चारों थंभों चोरी रची, रचियो सो निहचल ठाट। अखंड मंडल में चार स्तंभ स्थिर कर मंडप तैयार किया। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता से स्थिर किए हुए चार स्तंभों का विवरण कहता हूँ। एक स्तंभ ब्रज में, दूसरा रास में और अन्य दो स्तंभ इस जागनी के ब्रह्मांड में स्थापित कर चारों स्तंभों का मंडप अखंड सामग्रियों के साथ सुसज्जित किया गया। अर्थात इन चारों स्थानों में अद्वैत अखंड धाम के स्वरूपों की अद्वितीय लीलाएं हुई। एक बेर एक मांडवे, मोर बांधियो शीस, व्याही बारे हजार को और हजार 24। एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में मस्तक पर मोर मुकुट धारण कर श्री कृष्ण जी एक साथ 12,000 ब्रह्म प्रियाओं तथा 24,000 कुमारिकाओं का वर्णन वर्ण किया। तीनों फेरे दुल्हे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई, अब ये लीला सब गावसी, सब मिल करी है सही। व्रजरास और जागनी लीला के प्रथम चरण में धामधनी की अंगना के रूप में तीनों बार में उनके पीछे रही, चौथी बार जागनी रास में मुझे आगे होना पड़ा। अब इस लीला की महिमा सब लोग गाएंगे, क्योंकि सभी ब्रह्म आत्माओं ने मिलकर यह लीला की है। और कागद सब उड़ गए, उड़ियो सबों को अज्ञान, पसरियो प्रकाश जो पीयू को, ब्रह्म सृष्टि प्रकट भई पहचान। पराविद्या अर्थात तारतम ज्ञान के प्रकट होने पर अपराविद्या अर्थात बाह्य कर्मकांड के लौकिक ज्ञान ग्रंथों का महत्व घट गया। लोगों के हृदय से अज्ञान रूप अंधकार मिट गया। सर्वत्र धाम धनी के अखंड ज्ञान का प्रकाश फैल गया, जिससे ब्रह्म सृष्टि की पहचान प्रकट हुई। ठोर ठोर थाने दिए, मेला हुआ है मदेश, छत्रपति नमे नेह सो, राय राने पृथ्वी के नरेश। नौतनपुरी के पश्चात विभिन्न स्थानों पर धर्म स्थान की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश पन्ना में ब्रह्म आत्माएं एकत्रित होंगी तथा जागनी रास मेला होगा। छत्रपति, सम्राट, राजा, नरेश ये सब बुद्धि जी के ज्ञान से प्रभावित होकर प्रेम पूर्वक नमन करने लगे। बैठे सिंहासन सिर छत्र, वैराट वरती है आन, मुकुट मणि डोले चमर, नवखंड घूरे है निशान। बुद्ध जी सत्य धर्म के सिंहासन पर आसीन होकर सभी के सिर छत्र बने। समग्र ब्रह्मांड में उनका आदेश चलने लगा। बड़े बड़े मुकुटधारी नरेश आकर चवर डुलाने लगे। नवो खंडों में बुद्ध जी के प्रागट्य के समाचार गूंजने लगे। ज्योत जागृत बुद्ध जोर हुई, सतवानी कियो है विस्तार, कलिंगा कुली मारिया, सतसुख वर्त्यो संसार। जागृत बुद्धि द्वारा अखंड ज्ञान की प्रखर ज्योति का सर्वत्र विस्तार हुआ। अज्ञान रूपी कलयुग का संहार हुआ और संसार में सत्य सुख का प्रचार प्रसार हुआ। प्रह्लाद युधिष्ठिर वसुदेव, बलि रुक्मांगद हरिचंद, सगाल दधीच मोरध्वज, कसनी कर छूटे या फंद। परमात्मा को स्वीकार कर प्रह्लाद ने पिता के अत्याचारों से मुक्ति पाई। इसी प्रकार युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि राजा, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, सगाल, दधीची, मयूरध्वज
आदि महापुरुष भी अनेक कष्ट सहन कर संसार के बंधनों से मुक्त हुए। सतबादी नाम केते लेऊं, कई हुए तरन तारन, सतन छोड़या कई दुख सहे, सो यादिन के कारण। मैं ऐसे सत्यवादियों के कितने नाम लूं जो भवसागर से तरने और तारने वाले हुए हैं। उन्होंने अनेक कष्ट सहन किए किंतु सत्य को कभी नहीं छोड़ा। यह सब इसी दिन की प्रतीक्षा के लिए ही था। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 55 की 16 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।